मैं सावित्री चौधरी एक कहानी पढ़ रही हूँ जिसका शीर्षक है नए जमाने की उपज। मानसी उच्च शिक्षा प्राप्त तेज तर्रार और दबंग थी। उसे खानदान ऊंच नीच जात पात जैसे संकीर्ण विचारों से बातों से बड़ी घृणा थी। उसकी सोच थी कि ऊंचे विचारों वाले इंसान के सामने घरानेदार व्यक्ति भी कोई महत्व कोई मायने नहीं रखता। जब उसे पता चला कि पिताजी उसके लिए मुंह मांगी रकम देकर बड़े घराने का लड़का खरीद रहे हैं तो उसने रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया। पर माँ के समझाने से वह एक बार लड़के से मिल बैठकर बात करने के लिए मान गई। कार्यवश गई मानसी की कार। लौटते समय मैकेनिक पुनीत की वर्कशॉप के सामने खराब हो गई। पुनीत ने कार ठीक करवाकर वह रवाना हो गई। उसे मैकेनिक पुनीत की जन्म कथा का पता था। सोचने लगी कितना मेहनती मिलनसार और आकर्षक युवक है पुनीत। सरलता सादगी ईमानदारी और सेवा भावी होने के कारण ही वाहन ठीक करने वालों की भीड़ लगी रहती है। कॉलोनी वाले भी बहुत चाहते हैं और उसे भी बहुत अच्छा लगता है। वह पुनीत के स्वर्गीय पिता बसंत जी घरानेदार थे पर थे ऊंचे विचारों के लोकप्रिय व्यक्ति। उन्होंने घर की नौकरानी से प्रेम किया था किंतु वह प्रसव पीड़ा में चल बसी तो वे शोक सागर में डूब गए थे। उनके माता पिता ने पुत्र के दुख का मूल कारण शिशु को उसकी मौसी को सौंप दिया मोटी रकम देकर। गरीब बाल विधवा मौसी शिशु को मोह ममता से पालने लगी। नाम रखा पुनीत। 10वीं पास कर पुनीत ने पढ़ाई छोड़ दी और मिस्त्री का काम सीखकर अपनी वर्कशॉप खोल ली। उधर बसंत जी को समझा बुझाकर उनके माता पिता ने बहुत जल्दी बसंत का ब्याह बड़े घर की बेटी हर तरह से लायक खूब पढ़ी लिखी रेखा से कर दिया। रेखा ने ब्याह के 10वें माह बाद ही पुत्र को जन्म दिया तो शिशु को देखकर बसंत जी का मुरझाया मन खिल गया था। मन में धैर्य और संतोष व्याप गया। नौकरानी की याद एक भूली बिसरी दास्ता हो गई। समय ने भी उनके घायल हृदय पर मरहम का काम किया था। पुत्र का नाम रखा कमल। वह 4 साल का भी नहीं हुआ था कि वे हार्ट अटैक से अचानक चल बसे थे। मानसी बंगले पर पहुंची तब तक कमल जी और उनकी माँ सरला जी आ चुके थे। वह बड़े घराने के अहंकार में एक बार मानसी के रिश्ते के लिए ना कर चुकी थी पर अब बेटा चुनाव लड़ना चाहता है और चुनाव प्रचार में पानी की तरह पैसा बहा सके इतनी पूंजी नहीं है उनके पास। इसी कारण बराबर का घराना न होते हुए भी मानसी के पिता से मुंह मांगी रकम देने की शर्त पर मानसी के रिश्ते के लिए तैयार हुई और आज दोनों माँ बेटा उसे देखने के लिए आए थे। ड्राइंग रूम में चाय नाश्ता करते हुए मानसी उसकी माँ चाची और सरला जी ऊंच नीच जात पात दुनियादारी आदि की बातें करती रही पर कमल जी तो बड़े घराने के घमंड में भरे हुए चुप्पी साधे रहे। क्या बात है आप तो कुछ भी नहीं बोले। ऊंच नीच जात पात बिरादरी आदि के बारे में आपकी क्या राय है मानसी को ही पूछना पड़ा। मैं तो इन बातों का बहुत हिमायती हूँ। जैसे मेरा विरोधी उम्मीदवार दलित है वह आज मोटी आसामी हो गया तो क्या हुआ। उसके बाप दादा तो हमारी हवेलियों और खेतों पर मजदूरी करते थे। वह मुझे हरा ही नहीं सकता। हम तो खानदानी रोब रुतबे और शोहरत वाले हैं। कमल जी ने हैकड़ी से बताया। वे दोनों बहस करने लगे तो सरला जी बीच में बोल पड़ी। मानसी बेटी तुम तो हमारे बड़े घराने के लायक हो। कमल की बातों को कर दो अनसुनी। नहीं मैं आपके बड़े घराने के योग्य नहीं हूँ क्योंकि मेरे पिताजी अब नामी गिरामी हो गए। तो क्या हुआ मेरे बाप दादा भी मजदूरी करते थे। मानसी ने क्रोध भाव से कहा। उसकी गोली मार सी ना सुनकर माँ बेटे का गर्व चूर चूर हो गया। हक्के बक्के रह गए।
बड़े घराने के रोब से चमक रहे उनके चेहरे पर अपमान की श्यामलता छा गई। दूसरे दिन सुबह मानसी बाग में घूमने के लिए गई तो वहां पुनीत मिल गया। उसने तनिक मुस्कुराते हुए पूछा, आपको तो कमल जी ने पसंद कर लिया होगा, कल उनका ड्राइवर बता रहा था कि साहब जी चीनी और कपड़े की मिलों के मालिक नेतराम जी की बेटी मानसी को देखने जा रहे हैं। आपने यह क्यों नहीं पूछा कि मुझे कमल जी पसंद आ गए क्या? मानसी गर्म होकर बोली, अरे भाई नाराज ना हो, पुनीत ने बहुत स्नेह भाव से कहा, मैंने तो इसलिए पूछा था कि बड़े घराने के कमल जी तो लाखों में एक है, बड़े खानदान के अकेले वारिस दुनिया में शायद ही ऐसी कोई लड़की होगी जो उन्हें पसंद न करे। आप दोनों तो सगे भाई हो, फिर वे अकेले वारिस कैसे हो गए रईस खानदान के? मानसी ने पूछा। इस कारण कि मैं तो उनके सुधारवादी नेक पिता की अवैध संतान हूँ, मेरा जन्म समाज के कानून के अनुसार नहीं हुआ है, दो प्रेमी के प्रेम की निशानी हूँ मैं तो, पर समाज के अंधे कानून से डरते लोग प्रेम प्रीत के फूल को तो रात के अंधकार में नदी नाले कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं, लेकिन शादी के बाद रात दिन जरा जरा सी बातों पर लड़ते झगड़ते पति पत्नी से जो बच्चा जन्मता है उसे तो बड़ भागी मानते हैं, और प्यार के सागर में डूबे हुए दो प्रेमी के मिलन से जो बच्चा जन्मता है उसे मानते हैं अभागा। आपको कौन कहता है अभागा? मानसी ने असीम प्रेम भरी नजरों से उनकी ओर निहारते हुए कहा। फिर वह किसी गहरी सोच में डूब गई। अब तक हल्की धूप चमकने लगी थी, रंग रंगीले पक्षी इस उस डाल पर बैठे हुए चहचहा रहे थे, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी, भौरे गुंजार करते हुए फूलों पर मंडरा रहे थे, पास के मंदिर में हो रही आरती और घंटे घड़ियाल की गूंज से अगरबत्तियों की मद भरी खुशबू से सारा वातावरण पवित्र और मनोहारी हो रहा था। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे तो कमल जी पसंद नहीं आए कतई, क्योंकि मैं तो स्वतंत्र विचारों की उच्च शिक्षा प्राप्त लड़की हूँ, दबंग नए जमाने की उपज, मुझे बड़े घराने का नहीं बड़े विचारों का युवक ही पसंद है जो किसी बड़े घराने की शोहरत और रोब रुतबे का मोहताज नहीं है, जो मेहनत करने और लोगों के दुख सुख में सेवा सहायता करने में ही अपनी शान समझता है, और वह तो खुद के जन्म को भी अहो भाग्य समझता है। तब उन दोनों ने एक दूसरे की ओर बहुत प्रेम भाव से देखा और प्रसन्नता भरी हंसी हंसने लगे, मानो मानो सुरीले घुंघरू बज रहे हों। उनकी हंसी में अनहद संगीत भरा था। बस ये हो गई पूरी। ठीक है।